हमारी फिल्म का नाम महामृत्युंजय है, ये मैंने यही डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसका कुछ पोर्शन शूट हम दिल्ली में कर चुके हैं ऑलरेडी, कुछ पोर्शन बॉम्बे में है। कहानी बेसिकली डांसर है शिव्या और उनके दो ब्रदर हैं। कहीं ना कहीं ये कहानी ब्रदर सिस्टर की बॉन्डिंग पर है, और जो शिव्या हैं वो बहुत मेनली शिवा डिवोटी भी हैं। और कहानी मेनली है कि उनकी एक रिहर्सल एक इवेंट होने वाला है, डांस इवेंट होने वाला है। वो क्लासिकल डांसर हैं और रिहर्सल करते हैं टाइम उनका एक्सेंट हो जाता है और वो कोमा में चली जाती है। तो कहानी वहाँ से आगे बढ़ती है, मेनली कहीं ना कहीं ह्यूमन इमोशंस और एक बॉन्डिंग को दिखाती है, ब्रदर सिस्टर की बॉन्डिंग को दिखाती है। कहीं ना कहीं एक बिलीफ है उनका कि वो ठीक होगी, और जो एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है तो ब्रदर को, दोनों ब्रदर को एक ट्रस्ट है कि वो इवेंट होगा, डेफिनेटली होगा। और महामृत्युंजय जैसे हमने बताया टाइटल, तो महामृत्युंजय आपने सुना होगा, मंत्र भी है शिव जी का, कहीं ना कहीं उससे भी कनेक्टेड है ये कहानी महामृत्युंजय मंत्र से। किरदार है प्रोटैगनिस्ट शिव्या, वो शिवा डिवोटी है, और कहीं ना कहीं जैसा कि आप जानते हैं महामृत्युंजय लॉर्ड शिवा से कनेक्टेड भी है। तो महामृत्युंजय मंत्र का इस फिल्म में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। अगर बजट की बात करते हैं तो ये फिल्म में कितनी पहुँची है? इतनी तो अभी तो शुरुआत की है हमने, शूट अभी चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं कम से कम बजट में बन जाए। कि अभी शूट हमारा चल रहा है, अभी दो दिन का शूट और अभी पेंडिंग है जो बॉम्बे में है, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन के लिए जाएगी। तो अभी थोड़ा कहना मुश्किल है कि फाइनली बजट क्या रहेगा। ये 20 अक्टूबर के आसपास सिनेमाघरों में आ जाएगी। ये शॉर्ट फिल्म है तो ये मेनली OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए है। सर क्या इसकी कहानी छोटी सी थोड़ी सी जान सकते हैं कि किस कॉन्सेप्ट के ऊपर है? ये कहानी मेनली एक भाई बहन की कहानी, ब्रदर सिस्टर की बॉन्डिंग है, भाई बहन की बॉन्डिंग भी है, जो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है ब्रदर सिस्टर में। और कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट की भी कहानी है जो बहुत पैशनेट है अपने आर्ट फॉर्म के लिए। और जैसा कि आप देखते हैं कि क्लासिकल डांस के अंदर बहुत स्ट्रगल रहता है आर्टिस्ट को, क्योंकि हमारी कंट्री में कंटेम्प्रेरी जो आर्ट है उसको ज़्यादा महत्व मिलता है, और जो क्लासिकल आर्टिस्ट हैं वो पीछे रह जाते हैं, उनकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल है। तो कहीं ना कहीं शिव्या की लाइफ में भी वो सब है। विद्या बेसिकली शिव्या का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, मुख्य भूमिका में है, और शिव्या का किरदार निभा रही है। फिल्म में मैं दानिश का किरदार निभा रहा हूँ, जो विद्या जी शिव्या जिनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मैं उनका ब्रदर हूँ। तो इसमें ब्रदर और सिस्टर की एक बॉन्डिंग बताई है जो कि आज के टाइम में हमें बहुत कम देखने मिलती है। सो मैं इस फिल्म के थ्रू पब्लिक में ये अवेयरनेस भी बढ़ाना चाहते हैं कि ब्रदर सिस्टर की बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। फिल्म की शूटिंग के दौरान कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अभी हमने हाफ फिल्म शूट की है, सो बहुत अच्छा लग रहा है, और विद्या मैम से बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, बहुत सीनियर एक्टर है, सो बहुत अच्छा लग रहा है। एक शॉर्ट फिल्म है, अक्टूबर 20 अक्टूबर के आसपास रिलीज हो रही है। कहानी तीन किरदारों की है, शिव्या लेकर दानिश। शिव्या एक क्लासिकल डांसर है और बहुत ही पैशनेट आर्टिस्ट है, और कहानी कहीं ना कहीं एक ब्रदर सिस्टर की बॉन्डिंग भी दिखाती है, और एक कॉन्फ्लिक्ट भी है। जो पैशनेट आर्टिस्ट है शिव्या, तो बहुत ही पैशनेट है क्लासिकल आर्ट के लिए, और एक उनकी लाइफ में एक कॉन्फ्लिक्ट है, जैसा हमारे देखा जाता है कंट्री में, जो एक क्लासिकल आर्ट है उसको प्रायोरिटी कम दी जाती है। तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में वो भी एक स्ट्रगल है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ब्रदर सिस्टर की बॉन्डिंग दिखाई है। एंड हमारे साथ में सुपर एनर्जी एंड लाइक विद्या, बहुत बहुत ही सुपर एनर्जी है विद्या के अंदर। एंड अभी हमने थोड़ा सा पोर्शन अभी हमने शूट किया है, बाकी जो मेन पोर्शन है हम बॉम्बे में शूट कर रहे हैं। तो मैं शिव्या का किरदार निभा रही हूँ, जैसे कि आई थिंक शायद इसीलिए मैं ये फिल्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ी शिव भक्त हूँ, और आई थिंक मेरे दिन की शुरुआत और दिन का एंड शिव जी से ही होता है। मैं जो भी कुछ हूँ अभी उन्हीं की वजह से हूँ, जो भी कुछ करती हूँ वो भी उन्हीं की वजह से हूँ। मुझे लगता है मैं खुद तो कुछ करती नहीं हूँ, जो वो कराते हैं वही हो जाता है। तो जब
आई थिंक आई मेट हिम और आई स्पोक टू हिम फॉर अदर प्रोजेक्ट, इससे पहले जो वो कर रहे एक फिल्म कर रहे थे उसके लिए, लेकिन उनका उसकी कास्टिंग शायद हो चुकी थी या हो रही थी या किसी को इन्होंने बोल दे दिया था, इसलिए वो हुआ नहीं। और लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि एक और है जो मैं करने जा रहा हूँ, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो। और मैंने उससे पूछा कि क्या है, और फिर उन्होंने कहा कि आप शिव जी को मानते हो, और थोड़ी सी बात हुई ऐसे ही, ऐसे आवाज ही टॉकिंग लाइक दैट, बिकॉज मेरे लिए बहुत इट्स लाइक ऑलमोस्ट जैसे कि मेरे लिटरली मेरी रूह है जो महादेव की जो मेरे अंदर प्रतिमा है। और अभी मेरे लाइफ में जो भी डिस्टर्बेंसेस आए हैं, जो भी हुआ है मेरे जिंदगी में, मुझे लगता है उन्होंने ही सॉल्व किए। तो जब हमारी बात हुई, और इत्तेफाक से मैं उस वक्त ही दिल्ली आ रही हूँ किसी एक इवेंट के लिए, तो हमारी मुलाकात भी हुई, और ही ऑल्सो वॉज क्वाइट डेफिनेट, आई डोंट थिंक ही रियलाइज कि मैं इतनी बड़ी शिव भक्त हूँ, व्हेन ही वॉज टॉकिंग टू मी। शायद उनको थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, मे बी ही वॉज नॉट इवन श्योर कि ये कैसे हो सकता है लाइफ। एंड देन वी स्टार्टेड एक्सचेंजिंग नोट्स अबाउट महादेव जो क्या होता है, क्यों क्या है, सो मच अबाउट इट। मैंने भी इसके बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत क्योंकि मैं योगा टीचर भी रही, मतलब मैं हिंदी हूँ, तो मेरा वो एस्पेक्ट भी बहुत बहुत स्ट्रांग है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। तो आई थिंक इसीलिए ये सब मुझे लगा कि शायद महादेव ने ही इनको भेजा है मुझे इस फिल्म के लिए, और फिर ऑब्वियसली वी हैड टू डू इट। दीज टू ब्यूटिफुल बॉयज प्ले माई ब्रदर्स, एंड तो या इट्स अ लवली फिल्म। इट्स कैसे कहूँ, थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ है, तो अगर जिनको समझ में आता है, जिनको नहीं समझ में आता है उनको शायद थोड़ा बहुत चस्का मिल जाए और इसकी तरफ जाए। आई थिंक इट्स क्वाइट ब्यूटिफुल। विजय मैम, दोनों आपके भाई बने हैं, और दोनों भाइयों से किसकी बॉन्डिंग आपके साथ सबसे अच्छी है? अरे दोनों की अच्छी है,